और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राजेश, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लग गई हैं इस वक्त अपनी रणनीति बनाने में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरह से बैठक हुई भाजपा की, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है और क्या कुछ इस वक्त मीडिया से कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? यहाँ पर जो एजेंडा बात की जा रही है वो तो यही था कि कहा जा रहा है कि जो पूरी प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में चुनाव को उसको लेकर अहम थी ये बैठक। देखिए जया, जहां तक रणनीति का सवाल है तो देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और देर रात तक खूब जो है प्रत्याशियों के चयन को लेकर माथा पच्ची हुई। और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इन सीटों को लेकर एक्सरसाइज कर चुके हैं। तकरीबन 3-4 दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था और तमाम सीटों पर माथा पच्ची किए जा रहे थे कि कौन बेहतर प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में उतर कर सामने आएगा। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस स्वर्ग में जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए तमाम सियासी दलों के जो नेता हैं वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। और पहले चरण के लिए जो मतदान होने हैं, जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 27 अगस्त को पहले चरण के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और 2 दिनों तक फिर नामांकन पत्र की जो है वो जांच की जाएगी। राजेश, ये भी कहा जा रहा है कि आज पहली सूची जारी हो सकती है, तो ये भी बताइए कि कौन कौन से नामों को प्राथमिकता मिल सकती है, वरीयता मिल सकती है। देखिए साला, मैंने आपको पहले भी कहा कि निश्चित तौर पर आज सूची जो है वो जारी होगी, क्योंकि कल नामांकन पत्र नामांकन दाखिल करने की का आखिरी दिन होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी बस आज जो है वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। अब ये माना जा रहा है पहले 2 चरणों के लिए प्रत्याशियों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं और उसमें राजौरी और पुंछ के जो इलाके हैं वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशियों को भी मौका दिए जाने की खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से तो जानकारी मिल पा रही है कि राजौरी और पुंछ में बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दे सकती है और तमाम जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं के नामों की चर्चा जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन भी कर सकती है जिन क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी स्वयं नहीं उतारेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी उतारने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही है। और ऐसे में उन क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है जिन क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, बड़ी खबर और आज की एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आएगी जब भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की जाएगी। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर बातचीत करते रहेंगे। राजेश राज फिलहाल।